तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी परेशानी की वजह। आप मेरी वजह से परेशान है ना? तुमने तो मेरी हर परेशानी में मेरा साथ ही दिया है। आपको क्या लगा था कि इन मुश्किल घड़ियों के बाद हमारा साथ छूट जाएगा? कुणाल, आपने जो भरोसा मुझे दिलाया उसकी वजह से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। सीरियसली उर्वशी, मैंने भरोसा टूटते हुए देखा है। बहुत तकलीफ होती है जब अपनों का भरोसा टूटता है। आई एम वेरी सॉरी कुणाल, मेरा भरोसा टूटा नहीं था, थोड़े वक्त के लिए हिल जरूर गया था, पर अब आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, अपने सफर को अंजाम दीजिए और खुशी खुशी वापस आइए। आपको किसी भी गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं है। थैंक्स, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। शायद इस मुश्किल की वजह से हम लोग और करीब आ गए। कुछ नहीं खाने का, मामूली सा सर दर्द हो रहा था। मामूली सा? मैंने पहले तुम्हें कभी इस तरह से चिल्लाते नहीं सुना। अरे स्वीराज, मेरे बारे में सोच रही हो? अच्छा, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ जिन आंखों में मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता था, आज वही आंखें मुझे पराए क्यों लगने लगी है? हे कृतिका, कैसी बात कर रही हो? हमारे बीच में कभी परायापन नहीं आ सकता। ऋषभ, सच सच बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों दवाई लेते हो? ऋषभ, मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है और मुझ पर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। ऋषभ प्लीज। कृतिका, मुझे कुछ नहीं हुआ। सच सच बताओ ऋषभ, तुम्हें मेरी कसम। ओके, वेट। ये देखो, ये है माइग्रेन की दवा और ये है विटामिन के कैप्सूल। जरा सी बात थी, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी, लेकिन तुम तो सीरियस हो रही हो। चलो, अभी भी यकीन नहीं है तो तुम्हें डॉक्टर से पूछवा देता हूँ। चलो। नो ऋषभ, इट्स ओके, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दैट्स लाइक माय स्वीट हार्ट, आई लव यू। हमें कल कुसुमपुर चलना है, तैयारी शुरू कर दो, सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। ओके खुश रहो कुणाल, हमें खुशी है कि ये शुभ काम तुम्हारे हाथों संपन्न हो रहा है। जिस माँ के दोनों बेटे उसके साथ हों, उस माँ को कोई नहीं हरा सकता। अपना ख्याल रखना। मैम, आप कुणाल की चिंता मत कीजिए, कुसुमपुर में मैं अच्छी तरह से इनका ख्याल रखूंगी। और जहां तक होम सिकनेस का सवाल है, वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। याना, कुणाल को होमसिकनेस तो जरूर होगी, लेकिन अकेले में उन्हें अपना ख्याल रखना आता है। You're right, भाभी। भैया, आपकी शुरुआत का जश्न हम माँ की जीत के साथ मनाएंगे।
और हाँ भैया भागवत और उसके पार्टी के लोग कुसुमपुर जरूर पहुंचे, और हो सकता है कि नॉमिनेशंस फाइल करते वक्त वो वहां पे कोई ना कोई सीन क्रिएट करने की कोशिश करे, इसलिए मैंने समर को फोन कर दिया, वो आपके साथ जाए। समर की जरूरत नहीं पड़ेगी करण। जरूरत पड़ेगी भैया, आप उन लोगों को नहीं जानते, वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग, और अगर समर आपके साथ रहेगा तो आपको सहूलियत रहेगी, दैट्स ऑल। करण सिर्फ नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हैं, समर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां करण की चिंता बेवजह नहीं कुणाल, ऐसी स्थिति में कुछ भी होने की संभावना हो सकती है, बस सावधान जरूर रहना। जाओ। टेक केयर भाई। भारती जी प्रणाम, भागवत बोल रहा हूँ। हाँ 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 प्रणाम भागवत जी, जा रहे हैं नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने? सारी तैयारियां हो गई क्या? हमने तो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं भारती जी, बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि हमारी जीत का सेहरा आपके हाथ में है। इस वक्त तो मेरे हाथ में प्रियंवदा का नॉमिनेशन फॉर्म है, अब देखते इलेक्शन कमेटी इसे नॉमिनेशन फॉर्म समझती है कि कागज का टुकड़ा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं कुसुमपुर में। जी जरूर, हमारी जीत के जश्न की शुरुआत कुसुमपुर से ही होगी। प्रियंवदा देवी, नाउ विल सी। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ, ये ऐसी बात नहीं है जिसे अनदेखा किया जाए। एक छोटी सी गलती तेरा घर उजाड़ सकती है, वो मर्द है तेरा, शादी की है उसने तुझसे, अगर वो किसी और औरत के पास जाता है तो उसमें उसकी नहीं तेरी गलती है। अब तो रो मत, हाँ मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, उसे मुट्ठी में करके रखना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। क्या बात है कमू? मेरी बहन का फोन है मैडम, उसका मर्द किसी और औरत के साथ। मैंने उसे कितना समझाया था कि मर्द पर इतना भरोसा मत कर, लेकिन मेरी एक न सुनी और अब रो रही है, पता नहीं मैडम उसका क्या होगा। उर्वशी मैंने ऑफिस में किसी को टाइम दिया है, चेक देने जाऊंगा तो देर हो जाएगी। मर्द पर इतना भरोसा मत कर, लेकिन मेरी एक न सुनी। सब ठीक हो जाएगा कमो, हौसला रखो। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैं देख रही हूं कि जब से हम लोग कुसुमपुर आए हैं तुमने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। अगर मेरी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो तुम्हारे पारिवारिक जीवन में मुश्किल क्रिएट करना मेरा मकसद नहीं है कुणाल। तो क्या है तुम्हारा मकसद, तुम्हारा इरादा क्या है, क्या चाहती हो तुम? कुणाल रिलैक्स, मैं जब तुम्हें इस तरह से परेशान देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ तो हमें हो रही है यार, पापा के जाने के बाद पूरा परिवार परेशान है और तुम उस परेशानी को बढ़ा रही हो। बेहतर होगा कि तुम यहां से चली जाओ। अपना काम अधूरा छोड़कर तुम्हें यहां से नहीं जा सकती, मैम ने बहुत भरोसे के साथ मुझे यहां भेजा है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि यहाँ पर हमारे बीच अगर नाराजगी कम हो और कोऑपरेशन ज्यादा तो बेहतर होगा। For the rest of the things, I'm really sorry. क्या बात है करण, इतने परेशान क्यों हो? मॉम, मैं भाई के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूं मैंने ये कहा था कि
कि आप और भैया जो भी तय करेंगे मैं आप दोनों के साथ हूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुमने भैया को कुसुमपुर भेज के बहुत बड़ी गलती की है। वो भागवत एक नंबर का धूर्त आदमी, जरूर भैया को किसी न किसी जाल में फंस लेगा। और फिर भैया को गांव का कोई एक्सपीरियंस नहीं है माँ। और सबसे बड़ी बात यह है, तुम भी अच्छी तरह जानती हो, भैया को कोई भी आसानी से इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। और यहां तो कृतिका इन्वॉल्व है माँ। मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हारा यह फैसला गलत ना साबित हो माँ। देखो करण, कोई भी इंसान तजुर्बा लेकर जन्म नहीं लेता। जिंदगी का तजुर्बा ही इंसान को काबिल और सही फैसले लेने के लायक बनाता है। हम जानते हैं कुणाल का राजनीतिक अनुभव बहुत पुख्ता नहीं है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो बहुत जल्द इस नए माहौल को समझ लेंगे। इसी बात का तो डर है माँ। कहीं अगर भैया ने इन नए हालातों को समझने में देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। माँ प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे कुसुमपुर जाने की इजाजत दे दो माँ। मैं उस भागवत की नस नस से वाकिफ हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा माँ, भैया के साथ मिलकर। करण, तुम बेवजह घबरा रहे हो, हमें कुणाल पर पूरा भरोसा है। कुणाल कुसुमपुर में बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, आई होप यू आर राइट, आई रियली डू। कृतिका, एक बार फिर सोच लो, बेटी का फर्ज होता है माँ का साथ देना, माँ के खिलाफ जाना नहीं। क्या कोई माँ अपनी जीती जागती बेटी का इस तरह पिंडदान कर सकती है भैया? और मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं, मैं जन अभियान पार्टी की नॉमिनी के खिलाफ अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रही हूँ। कैसे कहें किसी से हम अपनी आप। चलो कृतिका। राजनीति में तुम्हारा स्वागत है कुणाल, आगे आगे देखो होता है क्या। क्या सोचा था, क्या देखा है, क्या चाहा था। कुणाल, तुम दुखी मत हो, एक चीज याद रखो, जब अपना कोई बहुत करीबी इंसान अपने खिलाफ हो जाता है तो करीबी नहीं रहता, और जो इंसान तुम्हारी माँ के खिलाफ है वो हमारा दोस्त तो हो नहीं सकता, राइट? चलो नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के लिए देर हो रही है, लेट्स गो। साथ निभाया है। मैम, अगर एक और विटनेस आ गया होता तो मैं ये फाइल एक्सेप्ट कर लेता। बस कुणाल आते ही होंगे। जी मैम। ओ आइए आइए भागवत जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार कृतिका बेटे, ये शुभ कार्य तुम अपने हाथों से संपन्न करो। इस निश्चय और इस विश्वास के साथ कि तुम्हें प्रियंवदा प्रताप सिंह को हराना है। प्रियंवदा प्रताप सिंह को हराना है। माँ को हराने की बहुत जल्दी है आपको भागवत जी। अर्जित का फैसला जंग के मैदान में होता है, ये तो सिर्फ जंग का ऐलान है। जरा इंतजार करिए, फैसला क्या हो जाएगा, ये तो बस शुरुआत है। कुणाल, प्रिया की फाइल जमा कर दी गई,
चलो आइए। सही कहा कुणाल बेटे, ये तो शुरुआत है अभी जंग की। आगे आगे देखो होता है क्या। भागवत जी, प्रियंवदा देवी को ये झटका हमेशा याद रहेगा। अजी, इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका सपना ऐसे टूट जाएगा। तुमको शर्म नहीं आती? अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लीडर्स के लिए तुम्हारे मन में कोई हमदर्दी नहीं? अरे काहे की हमदर्दी है? अरे कितने नसीब से तो ये दिन देखने को नसीब हुआ है। मैं तो ना जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वैसे एक बात है, फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब है कि प्रियंवदा देवी का राजनीतिक करियर बिल्कुल फिनिश। पूरे विशाल प्रदेश में कहीं मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलेगी उन्हें। आप देख लीजिएगा। हाँ भारती जी, अबे तो प्रियंवदा जी के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है। बेचारी हमारी समदिन जी को बेटी की शादी का झटका लगते ही पहला हार्ट अटैक आ गया। अब कैंडिडेट की लिस्ट में जब अपना नाम नजर नहीं आएगा ना, तब तो पता नहीं वो दूसरा हार्ट अटैक संभालेंगी या दूसरा हार्ट अटैक उनको संभालेगा। अब तो नोटिस बोर्ड पे लिस्ट भी लगी होगी, देखना आप। कोई कुछ भी कहे भारती जी, लेकिन आपका ये वार, वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, 100 सुनार की और 1 लोहार की। रघुनंदन जी, अब तो आपको अपनों से कोई शिकायत नहीं है ना? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जिस काम को मैं अंजाम नहीं दे पाया उसे आपने चुटकियों में कर दिया, चुटकियों में। अरे इस रघुनंदन को आपने अपना मुरीद बना लिया। मैं और भारती जी में यही फर्क है पंडित जी। भारती जी पहले विश्वास जीतती है, फिर उसका वो हाल करती हैं कि उस पर विश्वास करने वाला कोई नहीं मिलता। भागवत जी, भागवत जी, आ लीजिए, आ गई खबर दुश्मनों के मातम मनाने की। क्या खबर है? चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों की लिस्ट लगाई। लिस्ट में पहला नाम प्रियंवदा जी का है।